हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। गाइस माय नेम इज शादाब, मैं हूं अभी अजमेर में अमजद भाई और नजर भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं भाई? बढ़िया अल्लाह। अभी लास्ट वीडियो के अंदर भारी भारी बकरे देखे और सबसे खास बात यह रही कि अपन ने बकरों को जो है लाइव तोल के दिखाया वीडियो के अंदर, ताकि जो लोगों के डाउट्स रहते हैं वो भी सब वीडियो के अंदर ही क्लियर हो जाए। जी, तो इस वीडियो में अमजद भाई क्या बताने वाले हैं? इस वक्त बकरा बताने वाले हैं इस वीडियो में भी। बकरा तो माशाल्लाह बकरा आपके सामने है। ठीक है, ये बकरे से स्टार्ट करता हूँ मैं। जी, माशाल्लाह गुजरी बकरा है ये। जी हाँ, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मुझे सबसे पहले डिटेल बताओ आप। ये 44 साइड होगा। अच्छा, और वज़न? वज़न में 155 किलो के आसपास होना चाहिए। अभी कांटा हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, जो भी वेट होगा वो तो लाइव अपन चेक कर लेंगे। और दांतों में तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया होगा। इतना बड़ा बकरा तो पूरा आएगा। सही बात है। तो नज़र भाई से पूछता हूँ मैं, नज़र भाई कब से रखे हुए इस बकरे को आप? भाई अमजद भाई ने ही दिलाया था मेरे को। अच्छा, मेरे पास छः महीने लिए हुए हुआ मुझे। माशाल्लाह। तो अमजद भाई कौन से जंगल से आया हुआ था, थोड़ा बता दें आप। ये जंगल का नाम आपको बता दूँ जो आप पहुँच जाओ? नहीं, पहुँच नहीं जाओ तो जंगल बेल्ट, बेल्ट का नाम बता दो। ये जंगल कहाँ से आ गया बेल्ट बता दो आप। मतलब ये भी बोल सकते हो भाई कहाँ से लिया था जंगल? हर आदमी जंगल जाना चाह रहा यार। बताओ बताओ बेल्ट कौन से? आपको चाहिए तो मेरे से लेना, मजदूरी मत। मैं सिर्फ ब्लड लाइन के बारे में जानना चाह रहा हूं। गुजरी में है और ये जयपुर से बकरा आया हुआ है। ओके, अपने मिलने वाले के पास था, वहाँ से आया है बकरा। तो जब आपने दिया था नजर भाई को, क्या वेट पे दिया था बकरा? तोला था आपने वो टाइम पे? नहीं, तोला नहीं था, एक अंदाज था। अच्छा, क्या अंदाज था? ये 110 से 105 किलो। आप जो बकरे बेचते हो तो तोलते नहीं हो अमजद भाई क्या? नहीं, अंदाज से ही बेच देते हो? जी अंदाज से। कांटा भी शायद आपके पास है नहीं है ना? नहीं, वैसे भाई का अंदाज भी बहुत बढ़िया है। आपने आके तोला, यहाँ घर पे इतना निकला? चलो, ये अच्छी बात है कि तजुर्बे वाली बात है इनकी। जी, कि जो वज़न बताया वही वज़न निकला। 2-5 किलो तो देखो अंदाजे में तो ऊपर नीचे चलता है। हाँ सही, इतना तो समझ में भी आता है। अंदाजा बताऊंगा तो 2-5 किलो का तो फर्क आएगा। माशाल्लाह। वैसे अगर कोई आप कितने दिन बीज तोलते रहते हैं बकरे? जी मतलब कितने दिन बीज बकरे तोलते हो अपने भाई? मैंने बकरे तोले में मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तोले नहीं है। लास्ट टाइम कब तोला था? लास्ट टाइम मेरे को हो गया शायद इसको 2 महीने पहले बकरा तोला था। क्या वजन आ रहा था वो टाइम? 130-132 किलो वजन आया। माशाल्लाह। और बकरा भराई पे अभी कंटिन्यू? हाँ, 3 महीने से कंटिन्यू है। 3 महीने से कंटिन्यू भराई के ऊपर है। और कितना अनाज लग रहा है अभी इतने बड़े बकरे को? भाई 2 किलो दाना लग रहा है अभी। आमतौर पर भाई सभी पब्लिक की एक ही बात है, एकदम गर्मी की होने की वजह से भाई जानवर वजन तोड़ रहा है। सही है बात ये? हाँ ये सही है। तो अपने बकरों में भी ऐसा कुछ मिला? भाई देखो गर्मी पड़ती है तो अपन ही कुछ नहीं खा पाते हैं तो जानवर। सही बात है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, चारा पत्ता जो भी है सब दाना आना कम करना पड़ता है। बिल्कुल, मेंटेन रहे बकरा और उसमें वजन थोड़ा डाइट कम होगी तो वजन टूटेगा। सही बात है। ठीक है, इसके बाद में एक बकरा ये हैगा तोता परी। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ आपकी टेरिस पे तोता परी का शो कर रहा हूँ। पहली बार ही लिया भाई मैंने। जी हाँ, पहली बार ही लिया। पहली बार ही लिया होगा? हाँ, इतने सालों से आ रहा हूँ
जब भी मैंने बोला आपसे कि फर्स्ट टाइम माशाल्लाह पाला है, तक तो मुंह से ही खा रहा था इसको, 25 एक दिन हुआ है इसको हाथ पे लिए हुए। तो कैसा लगा आपको? का सीजन है तो मैंने थोड़ा बहुत तोता परी ब्रीड रख के कैसा लगा आपको, कैसी ब्रीड है ये? भाई ब्रीड की तो क्या बताऊँ मैं कैसी है, बस अपने गुजरी के हिसाब से थोड़ा नॉर्मल ही है। ज़्यादा आप लोगों को गुजरी पसंद है, अजमेरे सोजत ये बकरे ज़्यादा पसंद है। खैर दिल्ली में तो पूरा दिल्ली यही पालता है भाई, तोता परी बकरे वहाँ पे सब की अपनी अपनी पसंद है। घर में चले आओ तो वहाँ पे तोता परी मिलेगा ही। सही बात, मेवाती फेमस है। ठीक है, तो वज़न तोलने की भी प्रक्रिया चालू करते हैं जी। आ जाइए, ये है ज़ीरो, लो ले आओ भाई बकरे को। देखिए 149, बहुत बढ़िया भाई, 150 किलो माशाल्लाह वज़न मार रहा है बकरा, क्या बात है। जी 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 बिल्कुल, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से दिखा रहा हूँ जो भी है। ठीक है भाई, भाई बोलने वाले का अपन मुंह नहीं रोक सकते। सही बात है, अभी लोगों का क्या जाएगा, घर पे बैठ के कमेंट ही तो करना है। माशाल्लाह भाई, उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी तुलेगा बकरा। मेरा जजमेंट कह रहा था कि 130 135 किलो आना चाहिए, लेकिन बकरा जो है ठोस है। अपना जजमेंट कैसा लगा आपको मेरा? नहीं आपका भाई, आपका दिन रात का काम है बकरे बेचना, और ख़ास तौर से बड़े बकरों के अंदर अमजद भाई आप इन्वॉल्व रहते हो। ज़्यादा मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाया था उस टाइम पे, तो आपने कहा था कि आपके घर पे कांटा है क्या, तो कहने है मतलब ये है अपन अंदाज बताते हैं। अगर अगर कोई कहता है कि भाई तोल के लेना है दिखाना है, कोई नया आदमी हो तो उसको अपन तोल के भी दिखा देते हैं। सही बात है ये, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती, कोई मसला नहीं। बकरा पलटी के मतलब का है ये, अगर जैसे कोई बकरा आगे लेके कोई आदमी लेके पालना चाहे तो ये आराम से पलटी के मतलब का ही ठीक है। हर आदमी मतलब हर वीडियो के अंदर ज़्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट घूमता रहता है। आपके हिसाब से अमजद भाई क्या ऐसी खासियत है बकरे में जो ये पलटी का है? भाई खासियत ये है, पहले बात तो ये चंचल है, जो इंग्लिश में आप क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं। एग्री कर रहा हूँ मैं आपसे, हर चीज़ में ठीक है, हर चीज़ में भाग रहा है, दौड़ रहा है, चारों पाँव हाथ पैर माशाल्लाह बढ़िया है। जी जी, बकरा पूरा खाली है अभी भी फिलहाल, सही है। ये नहीं कि 2-5 किलो पे पंडन ठूस के भराओ, जितना बड़ा अमजद भाई फ्रेम है उस हिसाब से बकरे ने अभी वजन डला नहीं है उसका। अगर ये बिकेगा तो सही है, नहीं तो नजर भाई पलटी करेंगे, क्योंकि नजर भाई आप भी बकरे तो खरीदते होगे पालने के लिए भारी। हाँ हाँ, तो उसमें भी बकरा आजकल सस्ता तो मिलता नहीं है, 1-1.5 लाख, 2 लाख तक रेट है तो हमारे खरीदते हैं लोग। सही पूछो ना आपके क्या रेट कर रखी है। सही बात है, क्या बोले जंगल वाले जो रेट मांगेंगे, देखो भाई जो जो वो मांगते हैं वही चीज हमारे को बताते हैं। बिल्कुल सही, और होता भी तो लाइन पे भी लेके भाई। ठीक से पकड़ो उसका चेहरा, आप इतनी लंबी गर्दन कर दी। और एक काम करो अमजद भाई, इसको जाने दो, खुद अपनी मर्जी से चल के दिखाएगा वो माशाल्लाह। ठीक है भाई, सेकंड बकरा कौन सा था, ले आओ आगे बकरा चढ़ाओ काटे इसको भी अपन। एक मिनट रुको, रोक लेना, 15-20 दिन तो हुआ। ठीक है, जीरो है, आने दो, आगे से रुक लेना, आगे से रुक लेना, बस एक बंदा पकड़ो कोई, बस हाँ ऐसे हाथ लगाए रखो। 117-118 किलो माशाल्लाह भाई, 118 किलो बढ़िया वजन इसने भी दिया। ये बात आप बोल देना। नज़र भाई जो ये कितने किलो पे लेके आए थे आप? भाई ये मेरे पास 85 kg पे आया था माशाल्लाह, 118 किलो। और आपने बताया कि भराई भी जो है इसको लिए हुए मेरे हिसाब से 4 महीने हुए होंगे मेरे को, और भराई को 20-25 दिन हुए हैं सिर्फ। 20-25 दिन हुए हैं, वो भी नई के बराबर है। अच्छा, अगर कोई इसको खरीद के भाई सिर्फ सेल्फ फीडिंग ही समझ लो आपके, सेल्फ फीडिंग, हाँ 2-4 दिन नहीं खिलाएगा तो मुझे लगता है खाना चालू कर देगा। ठीक है भाई, तो अभी इनकी कीमत क्या रखी है आप बताएंगे? भाई वो पर्सनल में बताएंगे, कॉल के ऊपर ही बताएंगे वो कीमत। इसकी भी हाइट 44 ही है, 44 की हाइट है, और ये भी फ्रेश जो है आर्टी दांत हुआ है। देखिए ठीक है ना, ये 6 है, 6 है, 8 है, हो गया 8 8 8। हाँ सही है भाई माशाल्लाह। तो ठीक है भाई, तो दोनों बकरे सेल के लिए, और कोई भी सिंगल बकरा भी खरीद सकता है ना? सिंगल भी ले। ठीक है, तो अभी प्राइस जो जो जानना है जिसको, तो वो सीधा कॉल करे या बकरे का फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप कर दे, वो ज्यादा इजी रहेगा। बकरा डाल के व्हाट्सएप पे जल्दी मैं रिप्लाई दे दूंगा बकरा पहचानने में। मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाऊँ क्योंकि मेरा दूसरा भी काम रहता है। बिल्कुल सही, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफिज़।